हर्षिता हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर सिटिंग एपिसोड। तो बेसिकली अभी काफी हाल फिलहाल में हमने समर्स की बहुत बात की है और गर्मियां है ही इतनी कि बात करना तो बनता है। मतलब हमने समर एसेंशियल्स के बारे में बात की, समर स्प्रिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स के बारे में बात की, आई शेडो पैलेट्स विच यू मस्ट हैव दिस समर उनके बारे में बात की और समर फैशन के बारे में भी बात की। बट आई फील कि अभी हम मई में आ चुके, ऑलरेडी वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दिस ईयर एंड कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत ट्रैवल प्लान्स तो बनते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड अ ट्रिप टू यू नो लाइक रिवाइव आवरसेल्व्स। तो गर्मियों में बाहर जाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज ऑफ कोर्स द हार्मफुल यूवी रेज आर देयर एंड हमें अपने आप को फ्रेश रखना है, हमें मतलब ऑफ कोर्स अंदर से तो पानी पीना है, कोकोनट वाटर, लस्सी, ये सब पीना डेफिनेटली चाहिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू यू नो टेक अलॉन्ग योर ट्रिप। बट ओवरऑल भी हमें अपनी देखभाल करनी होगी एंड उसके लिए आई हैव क्यूरेटेड दिस ट्रैवल एसेंशियल दिस समर बैग। सो दिस इज अ वेरी क्यूट बैग एंड इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक अ परफेक्ट वाइल यू आर ट्रैवलिंग दिस समर। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इनटू दिस क्यूट लिटिल ट्रैवल बैग एंड लेट्स सी व्हाट्स ऑल इनसाइड, लेट्स गो। सो गाइज फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात करते हैं इस बैग की इन इटसेल्फ। तो बेसिकली ये और इसके अंदर की सारी जो चीजें हैं वो अमेजोन से है, अमेजोन पे बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं सो आई प्रेफर शॉपिंग फ्रॉम अमेजोन और इस पे बहुत अच्छी डील्स मिल गई थी। तो टॉकिंग अबाउट दिस बैग, दिस इज अ लाइक अ ब्लैक कलर फ्लेमिंगो इंस्पायर्ड बैग। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं बट आई थॉट ब्लैक इज अ डार्क कलर तो वो मतलब जल्दी गंदा भी नहीं होगा एंड यू नो इजी टू मेंटेन है एंड आई लव द फ्लेमिंगो प्रिंट ऑल्सो, बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर भी। So this is how it looks like. This is basically women makeup travel organizer toiletry kit bag pouch for brush, makeup holder, fashion flamingo print, portable flamingo bag. Okay, and this is how it looks like. बहुत बड़ा नाम है but this one costed me 349. Yes, this is how it looks like. It's a very good size bag. बहुत ही अच्छा है और easily आपके travel bag में किसी भी suitcase में या किसी भी bag में आ जाएगा. So this is how it looks like. यहाँ पे ऊपर एक net की pocket आती है जिसमें आप अपने basic चीजें रख सकते हैं like the brush, toothpaste, अपने makeup brushes, वो सब कुछ रख सकते हैं। नीचे आता है बहुत ही बड़ा compartment जिसमें आप सब कुछ रख सकते हैं जो भी आप सामान कैरी करना चाहते हैं। ऑल्सो गाइज इट कम्स विद डिवाइडर्स जो आप प्लेस कर सकते हो तो आई विल जस्ट शो यू एम्प्टी करके कि इसके अंदर इस तरीके से जस्ट अ मिनट या ओके। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह का एक वेलक्रो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड राइट ऐसा लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है साइड्स में और इसके साथ ऐसे डिवाइडर्स आते हैं जो आप प्लेस कर सकते हैं सो दैट यू इफ यू वांट लाइक अ पार्टीशन सो यू कैन क्रिएट दैट पार्टीशन ऑल्सो। उसकी पिक्चर आई पुट इट हियर बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स वेरी लाइट वेट ऑल्सो एंड बहुत ही ईजी है टू कैरी एंड आई लव दिस डिटेलिंग ऑल्सो लाइक दिस नेट की जो पॉकेट है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे से फट जाएगी, बहुत ही अच्छे से बनाया है एंड द जिप एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो लाइक ऑफ गुड क्वालिटी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट एंड आई थिंक वाइल ट्रैवलिंग ऑफकोर्स अ ट्रैवल बैग इज वेरी वेरी एसेंशियल जिसमें आप अपना सब कुछ रख सकते हैं सो दैट आपका सामान इधर उधर ना हो। सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वेरी एसेंशियल थिंग विच यू मस्ट कैरी। सो गाइज अब हम देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट जो इसके अंदर है तो मैंने दोबारा उनको रख दिया थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाने के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट ईच ऑफ द प्रोडक्ट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, आई गेस किसी की तो शादी हो रही है, आई एम नॉट श्योर। सो द फर्स्ट थिंग विच आई थिंक यू मस्ट कैरी एंड दिस इज समथिंग विच आई एम गोना कैरी अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं पे इज ऑफकोर्स द प्रोडक्ट विच आई स्वेयर बाय इज माई लॉरियल्स हाइलुरोनिक एसिड सीरम। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड आपको लगेगा कि हर ब्लॉग में हर वीडियो में यही दिखा देती है तो शायद यूज ही नहीं करती, वही डब्बा दिखा देती है, ऐसा नहीं है। दिस इज हाउ माई ओल्ड बॉटल लुक्स लाइक, ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप खत्म होने वाले हैं। दिस इज माई थर्ड और फोर्थ वन एंड मैंने ऑलरेडी नया मंगा लिया बिकॉज आई कॉन्ट डू विदाउट दिस। आई थिंक दिस हैज रियली रियली इम्प्रूव माई स्किन गाइज। सो आई थिंक यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस इफ यू आर इन टू सीरम्स, नॉट फोर्सिंग इट ऑन एनी वन बट इफ यू आर इन टू सीरम्स यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ये जो है उसका 15 ml वेरियंट है, एक और बड़ा वाला आता है बट इफ यू वॉन्ट टू जस्ट बिगिन विद यू कैन गो फॉर दिस। और मैं हमेशा ना गलती से 15 ml वाला ऑर्डर कर देती हूँ एंड देन आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ इट एनी वे। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर सोल्यूशन एंड आई थिंक अगर हम सीरम अप्लाई करेंगे तो इट विल प्रिपेयर आवर स्किन फॉर
एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड ये बहुत ही लाइक ऑफकोर्स इसमें हाइलुरोनिक एसिड है ही, तो थोड़ा अपने आप में ही हाइड्रेटिंग है, आपकी स्किन को रिप्लेनिश करेगा ही, सो दैट इज हाउ इट विल वर्क. सो समझ में वो बहुत एसेंशियल है. एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि इसको लॉक करना बहुत जरूरी है, तो मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजर. इनफैक्ट द मॉइस्चराइजर्स विच आई यूज जनरली आर दीज विच आर द एलोवेरा जेल्स. तो एक तो एलोवेरा जेल ये है जो कि मैं खत्म कर चुकी हूँ, यू कैन सी, विच इज द पतंजलिज एलोवेरा जेल. तो ये मैं यूज करती हूँ, या मैं मामा अर्थ का एलोवेरा जेल यूज करती हूँ. आई कीप ऑल्टरनेटिंग अमंग दी. अगर आप फैन है एलोवेरा जेल के, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज एज अ मॉइस्चराइजर एज योर बेस, बिकॉज ऑफकोर्स अगेन समर्स में एलोवेरा जेल इज वेरी वेरी कूलिंग. अगर आपके पास नेचुरल प्लांट है, गो फॉर दैट ऑल्सो, नो इश्यूज गाइज. बट दिस इज समथिंग विच आई जनरली यूज टू मॉइस्चराइज माई स्किन. सो इसको लगाने के बाद आई जनरली मॉइस्चराइज विद एलोवेरा जेल. बट दिस टाइम आई थॉट कि मैं इसको पेयर अप करूं विद इट्स क्रीम. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज द हाइलुरोनिक एसिड प्लम्पिंग क्रीम फॉर द डे क्रीम. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मुझे ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत लगी, एंड आई थॉट कि ये मतलब अच्छा है, इजीली, बहुत छोटा सा है तो इजीली फिट हो जाएगा आपके ट्रैवल पाउच में. एंड आई जस्ट ओपन एंड शो यू. सो ये इनका न्यू लाइक शेड है, न्यू वेरिएंट आया, थोड़ा पर्पलिश, तो बहुत अच्छा भी दिखता है. बट ऑनेस्टली गाइज, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ द मनी, बिकॉज दिस इज द क्वान्टिटी इट कम्स इन. एंड ये काफी महंगा, लाइक 499 का है. ऑन एमेजोन यू विल गेट अराउंड 424 और 400, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्काउंट विच इज गोइंग ऑन. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हाँ, बहुत थोड़ा सा अप्लाई करना है, बट इफ यू वॉन्ट कि आप अपना सिरम यूज करना चाहते हैं, यू वॉन्ट अ नाइस मॉइस्चराइजर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, क्योंकि ये बहुत लाइट है. इनफैक्ट मैंने आज यही अप्लाई किया बिफोर माई मेकअप टू जस्ट लॉक माई हाइलुरोनिक एसिड सीरम. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. समथिंग विच इज लिटिल एक्सपेंसिव, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. नहीं तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर द एलोवेरा जेल ऑल्सो. बट कैरी दीज थिंग्स गाइज, बिकॉज ये बहुत बेसिक है. ज्यादा मेकअप कैरी करने से अच्छा हम लोग ऐसी चीजें कैरी करें जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी और उसको नरिश रखेगी, वो ज्यादा जरूरी है. सो या, दीज आर द फर्स्ट टू थिंग्स विच आई वुड हाईली रिकमेंड यू मस्ट कैरी ड्यूरिंग योर ट्रैवल. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच वी मस्ट कैरी, और मैंने जो यहाँ पे रखा है, इज माई न्यूट्रिशिना Sheer Dry Touch Sunblock Cream. This is SPF 50+. Now this also, guys, ये वो same वाली नहीं है, because this is the last time वाली. तो ये मैंने अपने summer essential videos में दिखाई थी, and I really wanted to try this, and I have tried this over मुझे I guess one and a half month हो गया है वो video करे, और मैंने रोज ये apply किया है. First, this does not leave any color at all. That's fantastic. कुछ कुछ sunscreen बहुत whitish सा एक color छोड़ देती है, वैसा कुछ नहीं है. It dries up very easily, very very smooth on the skin. और पता भी नहीं चलेगा, बहुत light है guys. So this is how it looks like. ये छोटा वाला variant था, which is of 30 ml, and then I got the 88 ml वाला variant, and this one is dermatologically tested also. So if your skin is sensitive, you can definitely try. This is SPF 50, तो definitely ऐसा protection तो चाहिए ही during sun. And when you're applying sunscreen, don't forget your neck also, guys. That is also a part of your face. तो हम भूल जाते कभी कभी. So this is something which I would recommend. You can go for the smaller variant or the bigger one, whatever you like. Now हम अपने face को तो protect करने वाले हैं with SPF and with the aloe vera gel and everything. But हमारी body को भी protect करना बहुत जरूरी है. So next thing which I have packed, and guys, you will see the size of everything is, oh god, the size of everything is so that it fits in my पाउच. तो मैंने छोटे छोटे वेरियंट ही मंगवाए हैं. सो दिस इज द निविया प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर SPF 30 हाई प्रोटेक्शन बॉडी लोशन. तो मैं जनरली आई स्वेयर बाय निविया, आई हैड अ वीडियो ऑन निव्याज बॉडी लोशन बैक इन द डेज, जो मैंने बहुत साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बनाई थी. एंड स्टिल आई यूज ओनली निविया बॉडी लोशन. इनफैक्ट मेरे समर एसेंशियल्स में मैंने निविया का एलोवेरा जेल दिखाया था, विच इज परफेक्ट अगर आप यू नो लोकली ट्रेवल कर रहे हैं या इंडोर्स है, या मतलब जनरली डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज करने के लिए परफेक्ट है वो. बट और अगर आपकी ड्राई स्किन है, देन ऑल्सो इट्स परफेक्ट, एलोवेरा जेल है उसमें. बट इफ यू आर ट्रेवलिंग आउटसाइड, आई गेस हाई SPF प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज SPF 30. मैंने 50 वाला मेरे कार्ट में डाला था, एंड इट जस्ट वेंट ऑफ. जब तक मैं बाकी सब क्यूरेट कर रही थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया. तो इतनी ज्यादा डिमांड है SPF 50 और 30 की. बट दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट लोशन. दिस इज, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. इट्स अ वेरी वेरी लाइट सोल्यूशन गाइज. देखो, ये बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है. इट्स वेरी वेरी लाइट, वेरी इजिली ब्लेंडेबल. इट जस्ट गोज इन टू द स्किन वेरी इजिली, एंड अगेन लीव्स नो यू नो स्टिकीनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सी आई एम डन. ये बहुत जल्दी घुल जाता है,
इट स्मेल्स ऑल्सो वेरी गुड, वेरी लाइट, एक माइल्ड सी स्मेल है. इट्स नॉट ओवर द टॉप जो सरदर्द दे, बट दिस इज समथिंग विच आई थिंक एवरीबडी शुड हैव इन देयर बैग. दिस इज अ वेरी गुड साइज. नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इन माई ट्रैवल बैग स्लैश पाउच इज अ बॉडी वॉश और अ शावर जेल. नाउ आई एम अ शावर जेल पर्सन गाइज, मोर देन सोप्स आई प्रेफर शावर जेल, एंड आई जनरली यूज निव्याज बॉडी वॉश. मेरे पास इतना बड़ा वाला बाथरूम में पड़ा हुआ है, इट्स लाइक अ निव्या बॉडी वॉश, निव्या बॉडी लोशन, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है. बट वो बहुत ही बड़े हैं निव्या के जनरली, एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई द बॉडी शॉप का बॉडी वॉश विच इज लाइक अ टंग ट्विस्टर टू मी. सो आई गॉट दिस वन विच इज द बॉडी शॉप स्ट्रॉबेरी शावर जेल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स अ 250 ml बॉटल, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, बहुत बहुत इजीली मेरे इस पाउच में, इस बैग में फिट हो जाता है विदाउट टेकिंग मच ऑफ इट द स्पेस. यू कैन ऑफकोर्स यूज दोज मिनीसोस ट्रांसफरेबल यू नो बॉटल्स ऑल्सो, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट इज फॉर 345. अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है ये वाला, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनी अदर ब्रांड, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दिस. एंड बहुत ही टाइट है इसका ये जो लाइक लिड है, बहुत सिक्योर है, एंड बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग आती है यहाँ पे बाय द वे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड इट डज स्मेल लाइक स्ट्रॉबेरी. It's perfect, it's fresh. Okay, if you are someone who likes strawberry wali smell, so you will definitely love this. It is pure, pure strawberry ki smell, and this is how it looks like. So I'm just excited to use this. If you're someone who's looking out for a good body shower gel, then you can definitely go for this one. So guys, abhi garmiyon mein zyada makeup karna to possible nahi hai while you are traveling. So of course you can layer your skin with a hyaluronic acid serum and then a moisturizer, a sunscreen, maybe a BB cream. I'm a BB cream person, so you can definitely. I'm not a BB cream. I'm a BB cream person. So you can definitely go for that, and utna makeup is fine, like a compact, and that's it. But you can definitely go for something for your brows, and I got this one which is by Mars. This is their micro precision brow pencil. This is from Mars, and this is how it looks like. And this is a perfect brown shade, and I love ki iska jo angular aisa ye diya gaya, so it's very easy to apply. Also I love the wand which they have given, the eyebrow pencil ka ye jo wand hota hai, eyebrow wand, that is perfect. This is how it looks like. So you can definitely try this and carry this. This will actually make your look like you know, fresh and elevate your look. Agar aap zyada makeup nahi karna chahte while traveling, I'm sure hum log nahi prefer karenge zyada makeup karna, but doing your brows, maybe you know, eyeliner. I am an eyeliner person, so maybe putting an eyeliner, and that's pretty much it. So summers mein thoda simple rakhenge look ko, but I guess something like this would definitely come handy. The next thing guys which I have packed in my travel essential pouch is this one, which is a perfume from Miniso. So I love Miniso's perfumes. I have actually like used their so many variants, and I love the Ariel one, and this is how this looks like. Mere nails ki wajah se khul nahi raha tha, but yeah, this is their handy perfume. ऐसे परफ्यूम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं गाइस, परफेक्ट है अगेन फॉर ट्रैवलिंग. एंड दिस इज देयर वेरिएंट व्हिच इज द स्नो ऑफ विंडसर. इट्स वेरी वेरी फ्रेश, यू नो, इट स्मेल्स लाइक यू नो दोज फार्म्स, थोड़ा वैसा एक स्मेल है, थोड़ा फ्रेश स्मेल है, तो काफी अच्छा लगेगा आपको ये समर्स में यूज करना. एंड बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो ट्रैवल फ्रेंडली है, कैरी कर सकते हैं. आई गेस दिस रिटेल्स फॉर अराउंड 190 और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो 200, बट अमेजोन पे 190 का कुछ पड़ा, तो डिस्काउंट अगेन मिल जाता है. सो दिस इज समथिंग विच विल इजिली कम इन योर दिस पॉकेट. आई एम सॉरी अबाउट दैट. दिस विल इजिली कम इन योर दिस पॉकेट, और आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं इस तरीके से. सो या दैट इज द नेक्स्ट बाय. सो गाइज, अभी मेरे पाउच में ये सब चीजें बची हैं जिसके बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली हमने बात कर ली है अबाउट गेटिंग रेडी एंड एवरीथिंग जब आप बाहर जा रहे हैं, बट वेन यू आर ट्रेवलिंग आउट, these are the things which I think you must carry definitely. First is a wet wipe. Okay, so this is from the lactocalamine. This is their aloe vera, cucumber and vitamin E variant. Perfect है. If आपने मेरी summer essential वाली video देखी होगी, आपने देखा था कि मैंने दो pack खरीदे थे और एक खत्म हो चुका है, because I have been traveling locally, so I have been using it on daily basis, and this is their second pack जो मैंने संभाल के रखा है for my travel kit. So this is how it looks like. और ये एक जो है वो 150 का retail करता है normally, but Amazon पे आपको दो मिल जाएंगे for 150. This is perfect guys. Wet wipes are like saviors in summers. Perfectly आप use कर सकते हो on your face, also on your body parts. अगर आप sweat कर रहे हैं तो definitely you can carry these. And another thing which I recently tried, like my colleague actually had got it at work and I tried and I really felt fresh. This is a face mist by Plum. So this is how it looks like. It is their green tree variant, green tea variant. And आपको ऐसे pump करना होता है, yeah. And
इट स्मेल्स अमेजिंग गाइज, बहुत ही फ्रेश है. यू कैन यूज इट ऑन योर मेकअप ऑल्सो एंड आपको इंस्टेंटली थोड़ा सा फ्रेश लगेगा. आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब पानी वानी मार दिया किसी ने और एकदम फ्रेश लगेगा. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड this one retails for 360 but of course amazon pe aapko further discounts mil jayenge. I will put all the links in the description box and the prices also right here. So these are the two things which I think you must carry while you are traveling anywhere. Moving on to the next category is the post care. So agar aap travel kar rahe hain kahin pe to raat ko jab aapne pura makeup wakeup karke aap ab aa chuke hain ghar pe ya room mein in fact, to sabse pehle to aapko ek मेकअप रिमूवर स्पंज चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम अमेजोन अगेन. दिस इज अ ब्यूटी स्पंज बाय अलीशा, दैट इज द नेम. एंड ओके सॉरी मैंने इसको खोला नहीं था, आई थॉट इट विल जस्ट ओपन लाइक दिस. बट ये इसमें ना बहुत सारे कलर्स आते हैं गाइज एंड आई रिमेम्बर दिस वन इज फॉर 100 rupees और समथिंग. बट ये अगर आप कॉटन पैड्स नहीं यूज करना चाहते या आप बार बार टिश्यू नहीं यूज करना चाहते तो यू कैन डेफिनेटली हैव समथिंग लाइक दिस विच इज बहुत ही अच्छे से पैक करके दिया उन्होंने. दिस इज अ वेरी नाइस क्लीन स्पंज. ये दोनों साइड से आप यूज कर सकते हैं. सो यू कैन हैव योर मेकअप रिमूवर. आई यूज द गार्नियर माइसेलर वाटर जिसके बारे में मैंने बात की थी. तो देयर इज नो पॉइंट इन यू नो टॉकिंग अबाउट दैट अगेन एंड अगेन. बट दिस इज हाउ दिस स्पंज लुक्स लाइक एंड बहुत सारे कलर्स हैं. आई गेस कलर हम नहीं चुन सकते थे इन दिस ऑर्डर. आई कुडंट चूज द कलर बट दिस कलर जस्ट दे सेंटेड. आई एम ग्लैड कि दे सेंटेड डार्क कलर. थोड़ा सा अच्छा रहता है, सफाई कम करनी पड़ती है. बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू कैन डेफिनेटली skip the cotton pads and go for something like this which is washable, which is reusable again and again. So this is how this looks like. So this will be perfect for the after care. Jab aap pura din ghoom liye kahin pe to after care ke liye aap ye use kar sakte hain. So guys, after you have removed your makeup using this clean sponge, you can definitely indulge in a night cream or an eye cream. And I basically have two eye creams. Ek to jiske bare mein maine last time bhi baat ki thi and I have actually used this also quite a bit. This is from Mama Earth and this one is their variant with cucumber and peptides. And last time bhi maine bataya tha, of course cucumber is known for cooling our eyes and ye bahut hi effective cream hai guys. Perfect hai, bahut handy hai and definitely aapke bag mein easily fit ho jayegi. If you are looking for something which has a roller also, then this one is another variant. This is from the Mom's Co. And this one is their variant with vitamin E, B and B3 and coffee oil. And coffee is, guys, believed to reduce the dark circles very, very easily and actually, you know, renovates your skin and makes it fresh and good and smooth. So, this is how it looks like. ये इसका roller है जो इस तरीके से आपको fit करना है. आपको निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि वो फिर प्रेस ना हो जाए अगर आप बंद करते तब. आप ऐसे बंद कर सकते हैं बट आई हैव जस्ट रिमूव्ड एंड केप्ट इट. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड बहुत ही इजी है इसको. यहाँ पे आप जब प्रेस करेंगे सो द क्रीम यू कैन सी इट पॉप्स आउट लाइक दिस एंड देन यू कैन जस्ट मसाज इट. सो इट्स अ वेरी गुड कूलिंग इफेक्ट. एंड देन आफ्टर दैट ऑफकोर्स यू कैन यूज आइस क्यूब्स एज वेल फॉर टेकिंग केयर ऑफ योर आईज एज वेल. एंड एनी काइंड ऑफ नाइट क्रीम यू कैन यूज टू यू नो काम योर स्किन डाउन बिकॉज पूरा दिन आप धूप में घूमे. सो दैट इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई. ऑल्सो वन मोर प्रोडक्ट विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज आर हेयर. सो बेसिकली ऑफकोर्स जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो बहुत ज्यादा ऑयल पसीना ये सब कुछ आता है एंड कई लोगों का स्कैल्प रादर ड्राई होता है. तो मेरा ड्राई है एंड देन डैंड्रफ इज समथिंग विच इज एन इश्यू. सो आई गॉट अ हेयर मास्क फ्रॉम मामा अर्थ. दिस इज देयर टी ट्री हेयर मास्क. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक विद टी ट्री आर्गन एंड लेमन ऑयल. एंड गाइज बिलीव मी दिस स्मेल्स लाइक लेमन. सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. सो ऑफकोर्स यू कैनॉट कैरी मे बी जब आप ट्रिप से वापस आ जाए या आप रेगुलरली अगर सपोज बाहर जा रहे कहीं पे एंड देन यू कम बैक यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड यू कैन सी आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई डिड यूज इट जस्ट येस्टरडे एंड इट फेल्ट सो फ्रेश गाइज. And it smells like argan oil and lemon oil. Trust me guys, ये बहुत ही natural smell है. मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिलाया गया. मतलब एकदम जो lemon की smell होती है ना वो आएगी आपको. And this is how this product looks like. Of course we know Mama Earth is dermatologically tested, is paraben free and silicone free. So that's a very good thing. अगर आप इसको use करें guys, this is like different from the other hair mask जो हम बाद में लगाते हैं. ये हमें पहले लगाना है shampoo के. And then you have to wash your hair with shampoo. That is what it instructs and kal maine waise hi kara and I really felt fresh. So
of course I'm going to use it throughout this month of May and जब तक गर्मियां चल रही तब तो मैं preferably use करने ही वाली हूँ ये. So do follow me on Instagram to know कि इसके after results कैसे. I'll keep sharing in my stories as well. But this is something which you can definitely invest. Yeah, this one is for $5.99 but Amazon पे काफी अच्छा discount मुझे मिल गया था इसके ऊपर. So this is something which you can definitely go for as your post travel essential. Guys, मेरा travel pouch तो खाली हो चुका है, मैंने सब कुछ unpack कर दिया है. But if you are traveling somewhere, do let me know in the comment section and do let me know आप कौन सा travel essential product लेके जाना चाहेंगे अपने साथ. या आपने travel कर लिया है तो इसमें से कोई चीज आप लेके गए थे, do let me know in the comment section. If you enjoyed this video, don't forget to give this video a big thumbs up. Do subscribe to my channel and I'll see you soon with more market related videos and such tips and taps video also. Tips and taps, I don't know whether it is a word, but yeah, I'll see you soon. Bye guys. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love.